लातेहार के हिरहट प्रखंड से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक दलित परिवार की बेटी डिलीवरी के समय सरकारी नर्सों द्वारा समय पर डिलीवरी नहीं करने के वजह से पेट में बच्चे की मौत हो जाती है। जब महिला को अस्पताल लाया गया तो नर्सों द्वारा 18,000 घूस या कान की बाली मांगा गया। परिजन ने इससे इनकार कर दिया तो दोनों नर्सों ने डिलीवरी करने से मना कर दिया। वही आज पीड़ित के घर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव पहुँचे और कार्रवाई की मांग की। देखिए, झारखंड के लातेहार के हिरंज प्रखंड से एक हृदय विदारक मामला आया है जो 21वीं शताब्दी में पूरी मानवता को शर्मसार करता है। ये प्रदीप जी हैं, हम हिरंज के एक सुदूर गांव में पहुंचे हुए हैं और इनकी बेटी के साथ जो हुआ वो सभी समाज में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उसका डिलीवरी होना था और डिलीवरी होने से पहले जो दो ANM थी, क्या नाम था दोनों ANM का? अरुणा गुंजन और अरुणा और गुंजन, दो ANM थी। उन्होंने डिलीवरी कराने से पहले कहा कि लड़की को कि कान का बाली खोलो, तब 18,000 रुपए दो, तब हम कराएंगे। और जब 5 घंटे तक ये लोग देने को तैयार नहीं हुए तो वो बिटिया दर्द से तड़पती रही, प्रदीप जी की बेटी। और उसके बाद जब कान का बाली दिया गया तब उन्होंने डिलीवरी करवाया, लेकिन डिलीवरी में 5 घंटे विलम्ब होने के कारण उस बच्चे की मौत हो गई थी। हम आज हिरंज गांव में पहुंचे हैं और ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि ये जो दो ANM हैं इनके ऊपर आपराधिक मामला हो, हत्या का मामला दर्ज हो। एक बच्चे को इन्होंने जानबूझकर प्रसव में विलंब करके हत्या कर दी और इन्होंने एक तरीके से कान की बाली लेकर ब्लैकमेलिंग करने का काम किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।